वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका डेली करंट अफेयर्स में बहुत बहुत स्वागत है। 2 फरवरी का है दिन और कल हमने देखा कैसे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट हमारे सामने पेश किया। तो नो डाउट आज के डेली करंट अफेयर में बजट की काफी बात करने वाला हूँ, काफी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट उसके अलावा भी कुछ न्यूज हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ऑफकोर्स बजट इज गोइंग टू बी द मेन हाईलाइट ऑफ द सेशन, लेकिन और भी बहुत सारी न्यूज हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप जैसे कि जानते ही हैं, हर रोज राइट इन द मॉर्निंग एट 6 AM आपको ये सेशन मिलता है, तो मेक श्योर आप इसको बिल्कुल मिस ना किया करें और इसको सेशन को मैक्सिमम शेयर जरूर कर दें। मैं बताना चाहूंगा 9 बजे हर रोज मैं लाइव आता हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे और 12 बजे भी अनअकैडमी ऐप पे मैं क्विज कंडक्ट करवाता हूं, तो उसके बारे में आपको शायद पता ही होगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम ओरिएंटेड सेशंस होते हैं। सो इन केस यू गाइज आर नॉट अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, तो मैं यही चाहूंगा कि आप जरूर अटेंड करें और इसको एक्सपीरियंस करें कि कैसे लर्निंग को आसान बनाया जाता है। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद न्यूज फ्रॉम डिफेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर मार्शल एपी सिंह हैज अज्यूम्ड हिज अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। एक 3-स्टार ऑफिसर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ये बन गए हैं। कमेंट करके आप बताएंगे हु इज द चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, कौन है जो इंडियन एयरफोर्स को हेड कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, उन ऑफिसर का आप नाम बताएंगे। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज गुजरात से आ रही है। हमने देखा कि गुजरात ने कंडक्ट करवाया रिसेंटली नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, तो ये आप याद रखना नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस अलग है एंड ये पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से ये गुजरात जो स्टेट है उन्होंने कंडक्ट करा, 30th edition था, सो इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों में एक क्यूरियोसिटी पैदा करना साइंस को लेके, उनके अंदर एक कंसेप्ट जो है क्लियर होना, एक उनकी जानने की जो एक हम कहते हैं ना जिज्ञासा, उसको पैदा करने के लिए इस तरह के इवेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब फाइनली मैं बजट की बात करना चाहूँगा। यहाँ पे हम सब जानते हैं यूनियन बजट आया 2023-2024 के लिए और श्रीमती निर्मला सीतारमन हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर इस बजट को पेश करती हैं, इस बजट को लेकर आई। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं विच आई वुड लाइक यू ऑल टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल जब हम कभी भी बजट की बात करते हैं तो उसका विजन बहुत ज़रूरी है आपको पता होना। तो इस बार हमने देखा 7 priorities गवर्नमेंट की, जिसको गवर्नमेंट ने बोला सप्त ऋषि, तो बड़ा एक अच्छा नाम दिया गया इसको सप्त ऋषि के नाम से। सप्त ऋषि का मतलब क्या है उसको हम थोड़ा सा पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब सबका साथ सबका विकास, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलिशिंग द पोटेंशियल जो कि हमारा पोटेंशियल है उसको एकदम ग्रो करवाएं, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर और फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये 7 main priorities रही सरकार की, सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करें। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट देखने को मिला सरकार की तरफ से, उसकी भी मैं बात करना चाहूँगा जो कल पेश किया गया, दैट इज अबाउट अचीवमेंट सिंस 2014। हमने देखा है पिछले लगभग 7-8 साल में क्या चेंजेस आए हैं वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लगभग 9 साल आप बोल सकते हो, तो फ्रॉम 10th to 5th largest economy इन द वर्ल्ड हम लोग 9 साल में बने हैं। बहुत सारे घर मतलब 11 करोड़ से भी ज़्यादा घर लगभग जो है स्वच्छ भारत मिशन के अंदर उनको टॉयलेट्स मिल गई हैं। नाउ दीज नंबर्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए अबाउट वन थिंग, दैट इज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मोर देन डबल टू 1.97 लाख। तो हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है आपको पता होना चाहिए, ऑफिशियल ये डेटा है सारा जो PIB से मैंने रिट्रीव किया है, तो ये सारा के सारा एक्यूरेट है। हमने देखा PM जनधन योजना के तहत बहुत सारे अकाउंट्स खुले, 220 करोड़ वैक्सीनेशन तक हुई हैं 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों की, 9 करोड़ से ज़्यादा LPG कनेक्शंस लिए गए हैं लोगों को। तो आप देख सकते हैं कि बहुत किसानों को भी फायदा हुआ है, ये सब चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं अचीवमेंट्स है। नाउ यू गॉट टू अंडरस्टैंड व्हेन वी टॉक ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है स्पेशली आज की दुनिया में। हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके अंदर कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट्स को दिया गया, फिस्कल डेफिसिट ऑफ 3.5 ऑफ GSDP हैज बीन अलाउड फॉर द स्टेट्स। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल लेवल पे हमें डेफिसिट का आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फॉर 2023-24 फिस्कल डेफिसिट क्या है हमारा 5.9%, तो ये बजट एस्टिमेट्स है बेसिकली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिस्कल डेफिसिट इज ऑन द डाउनवर्ड्स ट्रेजेक्ट्री, वो भी इस टाइम पे व्हेन द एंटायर वर्ल्ड इज फेसिंग अ लॉट ऑफ डिस्ट्रेस फाइनेंशियली।
तो फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेटेड टू बी 5.9% ऑफ जीडीपी। तो आप यहां पर देख सकते हैं दिस इज 5.9%। उसी तरह से रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का भी यहां पर डेटा प्रेजेंट किया गया है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आई थिंक यू श्योरली कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी पॉइंट। हैविंग सेड दैट, मैं यहां पे फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में ही बताना चाहूंगा कि काफी सारे प्रपोज मेजर्स हैं। फॉर एग्जांपल सेटिंग अप ऑफ नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री। तो यहां पे क्या होगा, क्रेडिट फ्लो, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब यहां पे देख रेख करेंगे। सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर है, क्रेडिट गारंटी फॉर एमएसएमईज है, इनके ऊपर बहुत सारी प्रोविजंस अभी आएंगी। तो गवर्नमेंट इज प्लानिंग दिस पर्टिकुलर प्रपोज मेजर्स। ऑन टॉप ऑफ इट महिला सम्मान बचत पत्र की बात की गई। सो न्यू सेविंग स्कीम है बेसिकली 2 years पीरियड के लिए एंड इट इज विद द डिपॉजिट फैसिलिटी अप टू 2 lakh फॉर वेमेन। महिलाओं के लिए 2 lakh की ये फैसिलिटी है, वो डिपॉजिट करेंगे तो उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। सीनियर सिटीजन के लिए भी हमने देखा कि डिपॉजिट लिमिट जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में वो 30 lakh तक की गई। और IFSC भी हमने देखा है, बिजनेस एक्टिविटीज इन गिफ्ट IFSC, इसको भी और ज़्यादा इन्हांस किया जाएगा। अब गिफ्ट सिटी देखते हैं गुजरात में, बहुत ज़्यादा एक बढ़िया इनिशिएटिव है सरकार का। जब हम बात करते हैं विजन की, तो मैंने सप्तऋषि तो आपको बताया ही है, उसके साथ साथ सिटीजन्स और यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज, जॉब क्रिएशन, मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ये तो चलो हर सरकार चाहती है, इस सरकार ने भी इसकी बात की। थोड़ी सी स्पेसिफिक बातें करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं एम्पावरिंग अमृत पीढ़ी। हम लोग यूथ पावर की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो कि इनको ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स, इन सब के लिए, इन सब के बारे में यूथ को ना सिर्फ जानकारी दी जाएगी बल्कि उनको हेल्प किया जाएगा। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म हम लोग देखते हैं, जैसे डिमांड बेस्ड फॉर्मल स्किलिंग हो गया, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई के साथ मिलाना, उनको अगर ज़रूरत है तो कैसे सही पूल जो टैलेंट का है उस तक एम्प्लॉयर को हम पहुंचाएं, ये सब चीज़ें यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ वी हैव सीन वेरी नाइस विजन ऑफ द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, कि यहाँ पे स्टाइपेंड वगैरह भी दिया जाएगा 40 लाख से भी ज़्यादा यूथ को, टूरिज्म प्रमोट किया जाएगा और हम लोग यूनिटी मॉल्स इन स्टेट कैपिटल देखेंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वगैरह जो है वो प्रमोट किया जाएगा। हम लोग हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट देखेंगे, जो वहाँ पे GI टैग वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। तो दिस अगेन प्रूव्स टू बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्टेप। ग्रीन ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो हमें क्लाइमेट गोल्स को अचीव करना है, तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। PM प्रणाम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रमोट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ये आपको बढ़ाएगा। अभी आपको पता है वन नेशन वन फर्टिलाइजर तो न्यूज़ में था ही, वो जो भारत ब्रांड है उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स जो हैं उनको यहाँ पे हम गोवर्धन स्कीम के अंदर लगाएंगे, वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज बायोगैस के लिए। मिष्टी इज टू बी टेकन अप फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन अलॉन्ग द कोस्ट लाइन। अमृत धरोहर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, वेटलैंड्स को प्रमोट करेंगे, उनको प्रिजर्व करेंगे, कंजर्व करेंगे और उनकी यूटिलाइजेशन भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी गवर्नमेंट का टॉप फोकस है एंड दैट एक्चुअली शुड बी इन योर माइंड ऑल द टाइम। मूविंग अहेड हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या किया जा सकता है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो गवर्नमेंट ने ध्यान दिया। तो यहाँ पे Phase 3 ऑफ ई कोर्ट इज गोइंग टू बी लॉन्च फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। विवाद से विश्वास जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टैक्स रिलेटेड MSME को हेल्प मिलेगी इससे। उसके बाद हम देखते हैं इनपुट बेस्ड टू रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग फॉर बेटर एलोकेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज होगी और जो डिजी लॉकर है उसको और ज़्यादा एनहांस किया जाएगा, डिजी लॉकर को प्रमोट भी किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल को अनलिश करने के लिए। साथ के साथ हम लोग जब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी, यहाँ पे वही बात है कि कैसे हम लोग और ज़्यादा इन्हांस करते हैं इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रा, उसके ऊपर पूरी बात की गई। मैं आपसे बात करना चाहूँगा अबाउट रीचिंग द लास्ट माइल, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो डेवलपमेंट मिशन है उसको लॉन्च किया जाएगा। PVTGs क्या है? PVTGs वो ट्राइबल्स हैं जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, उनको कुछ फोकस चाहिए, उसके लिए मिशन लॉन्च किया जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा फॉर सस्टेनेबल माइक्रो इरीगेशन, यहाँ पे ड्रॉट प्रोन एरियाज जो कर्नाटका के वहाँ पे उनको हेल्प करेंगे। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल तो इस बार झांकी भी थी, एक टेब्ल्यू भी था रिपब्लिक डे पे, आई एम श्योर आपने देखा होगा। फ्री फूड ग्रेन्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे।
भारत श्री जो है डिजिटाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस, उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो कई बार बात आती कि भारत श्री बहुत न्यूज में था, वो क्या है? तो एंशिएंट इंस्क्रिप्शन को डिजिटल बना देंगे, मतलब अब आप उस पर्टिकुलर जगह पे जाके, आप जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ही ले लो गुजरात में, हो सकता है आप कभी जूनागढ़ जा ही ना पाओ, तो आप कैसे देखोगे उसको? तो आप डिजिटली उसको एक्सेस कर सकते हैं। याद रखिएगा, पीएम आवास योजना जो घर देती है लोगों को, उसका भी आउटले जो है उसको एनहांस किया गया है। सो विदाउट एनी डाउट, मतलब गवर्नमेंट एक्चुअली इज डूइंग एवरीथिंग इट कैन टू हेल्प ईच एंड एवरी पर्सन अचीव देयर फुल पोटेंशियल। हम एजुकेशन स्केलिंग की बात करते हैं, सो यू हैव एनहांस्ड एजुकेशन एक्सपेंडिचर, 2.9% ऑफ GDP यहाँ पे हम देखते हैं। टीचर ट्रेनिंग होगी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप की जाएगी, स्टेट जो है वो फिजिकल लाइब्रेरी पंचायत और वार्ड लेवल पे बनाएंगे, जो बहुत बढ़िया चीज़ है, फॉरेन कंट्रीज में भी हम ये देखते हैं। और आप याद रखेंगे स्किलिंग ऑफ द यूथ जो है उसके लिए PMKVY जो है 4.0 उसका फोर्थ एडिशन जो है उसको लॉन्च किया जाएगा, दैट अगेन इज अ वेरी मच वेलकम स्टेप। अफोर्डेबल हेल्थ की हम जब बात करते हैं तो 2.1% ऑफ द GDP हम लोग हेल्थ एक्सपेंडिचर को देख रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन लॉन्च किया जाएगा जो कि इंडिया में काफ़ी लोगों को है। जॉइंट पब्लिक प्राइवेट मेडिकल रिसर्च जो है उसको इनकरेज किया जाएगा, मतलब PPP मोड में ये होगी रिसर्च। न्यू प्रोग्राम इज गोइंग टू प्रमोट रिसर्च इन फार्मा एज वेल, तो फार्मा में नाइपर्स तो अच्छा काम कर ही रही है, उसको और बड़े लेवल पर हम लोग इन्हांस करना चाहते हैं। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्रेडिट दिया जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर को, मतलब लोन्स प्रॉपर तरीके से देंगे। आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो है वहाँ पे हम लोग हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री के लिए लोन दिया जाएगा, स्टोरेज कैपेसिटी फॉर द फार्म प्रोड्यूस, ताकि उनको ज़्यादा देर तक स्टोर किया जा सके बढ़िया तरीके से। और हम लोग मिलेट्स को प्रमोट कर रहे हैं थ्रू श्री अन्न, तो आपको भी पता है दिस इज द ईयर फॉर मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स, तो उसको भी प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसके साथ ही आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा अबाउट द टैक्स। हम जब भी बात करते हैं अबाउट वेरियस टैक्स प्रपोजल, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे GST पेड कंप्रेस्ड बायोगैस है, नाउ इट इज गोइंग टू एक्सेम्प्ट एक्साइज ड्यूटी ऑन दिस, ठीक है। उसके बाद दे विल प्रोवाइड रिलीफ इन द कस्टम ड्यूटी ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ सर्टन पार्ट ऑफ मोबाइल फोन्स, यहाँ पे कस्टम ड्यूटी ऑन पार्ट्स ऑफ ओपन सेल्स ऑफ TV पैनल कम की गई है, इंक्रीज किया इन्होंने कस्टम ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रिक किचन चिमनी फ्रॉम 7.5% to 15%, मतलब डबल कर दी, इलेक्ट्रिक चिमनी महंगी महंगी होने वाली है। अब जो चिमनी हीट कॉइल्स हैं उनके अंदर कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एग्जेम्प्ट किया है बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, और रिड्यूस किया बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन एसिड ग्रेड फ्लोर स्पार और क्रूड ग्लिसरीन। तो किसी पे टैक्स हमेशा बढ़ाया जाता है, किसी पे कम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ श्रिम्प फीड है उसके अंदर जो भी इनपुट चाहिए उसके अंदर कम किया गया है यहाँ पे ड्यूटी को, और बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन सीड्स जो है उनको कम किया गया है। एट द सेम टाइम कस्टम ड्यूटी जैसे आर्टिकल्स मेड ऑफ गोल्ड इस पर बढ़ा दी है, दे आर गोइंग टू इंक्रीज कस्टम ड्यूटी ऑन सिल्वर डोर बार्स आर्टिकल्स, दे गोइंग टू इंक्रीज द कस्टम ड्यूटी ऑन रबर फ्रॉम 10% to 25%, और सिगरेट का तो नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी ड्यूटी जो है वो तो बढ़ी है, तो सिगरेट्स तो महंगी होनी ही है, सिन गुड है। अब जब मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करता हूं तो इतना मैं बताना चाहूंगा कि एग्जाम्प्ट लिमिट जो पहले 2.5 लाख हुआ करती थी उसको बढ़ा के इन्होंने 3 लाख कर दी है, ये मैंने कल भी एक सेशन किया था। अब 5 ही स्लैब्स हैं आपके पास, एक 0 to 3 लाख की है, मैं यहाँ पे क्लियरिटी से बता देता हूँ, ये तो नील टैक्स है। 3 to 6 लाख पे 5%, 6 to 9 पे 10%, 9 to 12 पे 15%, 12 to 15 पे 20%, और above 15 पे 30% टैक्स आपको शेल आउट करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। नाउ दैट एक्चुअली इज अ थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। मोर ओवर काफ़ी सारे और इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव, जैसे 7 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं है, मतलब 25,000 रुपये का जो टैक्स बनता भी है उस पर आपको मिल जाएगी रिबेट, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। स्टैंडर्ड डिडक्शन है यहाँ पे सैलरीड पीपल के लिए, ठीक है, 50 to 52,000 समथिंग किया गया है। रिडक्शन इन द हाइएस्ट सरचार्ज फ्रॉम 37% to 25% है, और टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट ऑन लीव इनकैशमेंट 25 लाख तक बढ़ाई गई, तो जो रिटायर होते हैं लोग वो मतलब लीव इन कैशमेंट जो है उनकी वो एक तरह से टैक्स फ्री हो जाएगी, तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चीज़ की वजह से, तो हम ये चीज़ जान सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने टैक्स का ये बताया है, ये पूरा बजट का बताया है, ये आपको क्लियर हुआ यूनियन बजट। बाकी सुमित्र सर ने इस पर बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, कल मैंने, श्वेता मैम, शरद सर, हम सब ने इस चैनल पर वीडियोज़ डाली है, उनको ज़रूर जाके देखिएगा, उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। इन केस यू डोंट नो, हमारा प्रैक्टिस बैच AFCAT का आ चुका है, सो मेक श्योर
आप इसको ज्वाइन जरूर करें। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं भी है, यू कैन टेक इट फॉर 1 month, 3 months, 6 months और इवन 12 months और 24 months, दैट इज टोटली अप टू यू। UDM कोड का इस्तेमाल जरूर करें जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, ताकि आपको 10% डिस्काउंट जो है वो मिल जाए। आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। दैट्स मी आकाश ने, मुझे आप फॉलो जरूर कर लें अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, और मेरी क्लासेस जैसे 9 बजे होती है, 12 बजे होती है, उनको आप जरूर रेगुलर बेसिस पे अटेंड करें, क्योंकि वो लाइव क्लासेस होती हैं एंड दे श्योरली गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इन एवरी डायरेक्शन। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन डेली करंट अफेयर्स टुडे। आई रियली होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। अगर अच्छा लगा है तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा सेशन। लाइक और शेयर कर दो अगर आपको यूजफुल लगा है तो। थैंक यू सो मच।